मॉर्निंग एवरीवन, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। जल्दी जल्दी से सब लोगों ने लाइव ज्वाइन कर लेना है लेक्चर के लिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस। चलो फटाफट सब लोग लाइव आ जाओ, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को, ज्वाइन कर लेना है सब लोगों ने जल्दी से। चलो आ जाओ सब लोग फटाफट। चलो क्या बात है, बढ़िया, बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं कि ज्वाइन हो चुके हैं लाइव लेक्चर के लिए। जस्ट ब्राइट डाल दे, चलो बाकी के लोग जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लेना है जल्दी से। जैसे आप सब लोगों को पता है कि कल का जो आपका लेक्चर था, वी आर डीलिंग विद द एमसीक्यू एंट्रांस पार्ट ऑफ द चैप्टर कॉल्ड एनिमल टिश्यू, और उसके अंदर जैसे मैंने आपको बोला था कि इपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने इंट्रोडक्शन एज वेल एज इपिथेलियल टिश्यू, पहले दो तीन टाइप, स्क्वैमस इपिथेलियम, सिलिएटेड इपिथेलियम, कॉलमनार इपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल इपिथेलियम, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बोला था कि आपको ये जो पार्ट है अगला, इसका आगे वाला, वो थोड़ा सा रिवाइज करके रखना है। जो बच्चों ने नया ज्वाइन किया है उनके लिए भी बताया था मैंने कि YouTube पे लेक्चर अवेलेबल थे हमारे चैनल पे, तो वो लेक्चर्स आपको देखने हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपने कर ली है। सो आज का जो आपका लेक्चर होगा, आपसे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया से मुझे आंसर्स मिलेंगे, कोई कंफ्यूजन शायद नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल होते हैं। ओके तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज के लेक्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। कल हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्चुअली। ओके तो ये है आपके आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ कॉलमनार सेल्स इज प्रेजेंट। चलो बता दो कहां पे होता है, जब तक बाकी के लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ओके वी कैन गो फॉर इट। चिन्मय ने आंसर भेज दिया है, जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर देना है फटाफट से। कॉलमनार सेल्स का न्यूक्लियस जो होता है वो कहां पे होता है, इज इट टुवर्ड्स द अपाइकल एंड, इज इट टुवर्ड्स द बेसल एंड, इज इट इन द सेंटर ऑफ द सेल, आइदर ए और बी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द टिश्यू। चलो क्या आएगा आंसर, चलो संपदा को सिर्फ सी लग रहा है, बाकी ये लोग जो है वो बोल रहे हैं कि सर ए आंसर है इसका, राइट है, यस। चलो फटाफट फटाफट रिप्लाई करो, यस अपाइकल सेल, संस्कृति को भी बी लग रहा है, बाकी के लोग जो है वो ए बोल रहे हैं। जो जो लोग आंसर दे रहे हैं ए, कॉलमनार सेल है, कॉलमनार, कॉलमनार सेल की अगर बात हो रही यहां पे, ओके तो कहां पे होगा थोड़ा सा चेक करो, पहले ही क्वेश्चन में गड़बड़ दिख रही है मुझे। कॉलमनार सेल्स है, बहुत सारे लोगों ने ए आंसर भेजा है, सिर्फ संस्कृति को बी लग रहा है, मानसी को बी लग रहा है। ओके दो ही लोग मुझे यहां पे दिख रहे हैं जो कह रहे हैं कि बी आंसर है सर, अभी और दो लोग आ गए, अदिति एंड विनित, क्या बात है, उनको भी कहना है कि सर ये आंसर जो है करेक्ट बी है। जो जो लोग ए आंसर दे रहे ऑप्शन, उनके लिए देखो मैं क्या बता रहा हूं यहां पे, कॉलमनार सेल इस तरह से होती है, कॉलमनार इपिथेलियम का डायग्राम हमने इस तरह से बनाया था, सेल्स आर टॉल एंड पिलर लाइक। तो बच्चों यहां पे नीचे आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ओके तो जो लोअर एंड होता है उसको बोलते हैं बेसल एंड, और जो ऊपर का एंड है इसको हम बोलते हैं अपाइकल एंड। लोअर पार्ट को बेसल बोलना है, अपर पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है अपाइकल एंड। ओके तो आप सब लोगों को डायग्राम पता है, न्यूक्लियस इज हियर, न्यूक्लियस यहां पे होता है, न्यूक्लियस इज ओवल शेप, ओवल शेप का न्यूक्लियस है, और ये बताया था मैंने दिस न्यूक्लियस इज टुवर्ड्स द बेस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो आपके सेल के कहां पे होता है, बेसल पोजीशन पे होता है। आपको क्वेश्चन पूछा गया है न्यूक्लियस ऑफ कॉलमनार सेल, तो करेक्ट आंसर जो होगा इट विल बी टुवर्ड्स द बेसल एंड, अपाइकल एंड नहीं आएगा,
जिन जिन लोगों ने ए ऑप्शन को आंसर दिया था, एक बार आप लोगों ने ये रिवाइज करना है। मैंने बोला था आपको रिवाइज करना है, पहले ही क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया बहुत बड़ा। ओके, रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर सही आते हैं या गलत आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, कॉलमनार इपिथेलियम इज क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन। चलो, कॉलमनार इपिथेलियम जो है ये दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, किसके बेसिस के ऊपर? माइक्रोविलाय, सिलिया, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। क्या लगता है? चलो इसको रिप्लाई करो अभी फटाफट से। कॉलमनार इपिथेलियम की बात हो रही है यहां पे, अर्चना को लग रहा है सी। यस, बाकी के लोग कहां पे हैं? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, चलो जल्दी जल्दी आंसर कर देना है, जल्दी जल्दी रिप्लाई कर देना है। विनीत को ए लग रहा है, उमेश को सी लग रहा है, बाकी के लोग कहां पे हैं? यस, रिप्लाई करो, सोच के करो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलमनार इपिथेलियम इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ऑप्शंस में आपने कुछ देखा था, किसी ने नोटिस किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो उसको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, यस, बहुत सारे लोग ए बोल रहे हैं। देखो बहुत सिंपल है, कॉलमनार इपिथेलियम जो है ये दो टाइप का होता है। एक कॉलमनार इपिथेलियम जो है जिसके अंदर होते हैं सिलिया। ओके, एक कॉलमनार इपिथेलियम है जिसके अपाइकल एंड पे क्या पाए जाते हैं? सिलिया पाए जाते हैं। तो जहां पे सिलिया होगा इट इज कॉल्ड सिलिएटेड इपिथेलियम। और एक कॉलमनार इपिथेलियम आपने ऐसा भी पढ़ा है जहां पे सिलिया की जगह पे माइक्रोविलाय होते हैं। सिलिया नहीं है, सिलिया की जगह पे क्या है? माइक्रोविलाय। तो ये जो माइक्रोविलाय है यहां पे सिलिया तो नहीं है, तो दिस इज नोन एज नॉन सिलिएटेड इपिथेलियम। ये लॉजिक है। ओके, अर्चना कह रही कि सर इट कंटेन्स बोथ माइक्रोविलाय एंड सिलिया आल्सो। एक ही जगह पे दोनों नहीं होते अर्चना बेटा। एक जो कॉलमनार इपिथेलियम अपने पढ़ा था सिलिएटेड, जहां पे सिलिया होते हैं, और दूसरा एक कॉलमनार इपिथेलियम हमने देखा था, ओके, जहां पे सिलिया की जगह पे क्या होते हैं? माइक्रोविलाय होते हैं। तो जहां पे माइक्रोविलाय है सिलिया तो वहां पे नहीं है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन सिलिएटेड। ओके, तो सिंपल लॉजिक है, सिलिया होंगे तो सिलिएटेड और सिलिया नहीं होंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम? नॉन सिलिएटेड। तो ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है बच्चों, सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सिलिया। ये कौन से बेसिस के ऊपर है? सिलिया के बेसिस के ऊपर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी। मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन से देखो, ध्यान से सुनो। जिस इपिथेलियम में सिलिया प्रेजेंट है उसको सिलिएटेड बोला जाता है, जहां पे सिलिया एब्सेंट है, सिलिया की जगह पे क्या होता है? माइक्रोविलाय होते हैं, उसको नॉन सिलिएटेड इपिथेलियम ऐसा बोला जाता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है, ये जो कॉलमनार इपिथेलियम के दो टाइप है, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ सिलिया ओनली, सिर्फ सिलिया के बेसिस पे ये टाइप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। समझ में आया सब लोगों को ये? चलो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, इज इट क्लियर और नॉट? ये क्लियर है सब लोगों को या नहीं है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है चैट बॉक्स में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग आंसर्स आए थे इस क्वेश्चन के लिए भी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर आंसरिंग डिफरेंटली। इज इट क्लियर जो एक्सप्लेन किया है इस क्वेश्चन के बारे में? चलो रिप्लाई करो। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो थम्स अप आ रहे सबके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 28। फिंगर लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस आर, क्या होते हैं? चलो, फिंगर की तरह दिखने वाले प्रोटोप्लाज्म के जो प्रोजेक्शंस हैं, या फिर हेयर की तरह दिखने वाले जो प्रोजेक्शंस हैं, उन प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है? इज इट माइक्रोविलाय, इज इट सिलिया, इज इट बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए नॉर बी? चलो रिप्लाई करो, क्या होगा? माइक्रोविलाय, सिलिया, फिंगर की तरह होने चाहिए, फिंगर की तरह होने चाहिए, फिंगर बड़ा होता है। ओके, तो क्या होंगे? वापस ए और बी के बीच में कंफ्यूजन चल रहा है। फिंगर लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस आर नोन एज, व्हाट दे आर नोन एज?
आर दे आर कॉल्ड सॉरी माइक्रोविलाय और दे आर सिलिया और बोथ ए एंड बी नाइदर ए नॉर बी. बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन और अभी लग रहा है कि मुझे ट्रैक पे आंसर्स आने लगे हैं. जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं अपाइकल एंड पे उनको क्या बोला जाता है, फिंगर लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस. रिमेंबर वेल बच्चों, दीज प्रोजेक्शंस आर एक्चुअली नोन एज सिलिया. माइक्रोविलाय जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नहीं बोल सकते हम. ओके तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस आर एक्चुअली सिलिया. सो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है राइट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन बी. सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम बेसल ग्रैन्यूल्स. चलो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन शायद लग सकते हैं लेकिन देखो, मान लो कि ये आपकी सेल है. अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल नाम का चैप्टर पढ़ा है ओके तो देखो यहां पे ये आपकी सेल है. सेल के अंदर ये है आपका प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म की जो पेरिफेरी है कॉर्नर है वहां पे होता है सेंट्रियोल. वहां पे क्या होता है, सेंट्रियोल होता है ओके. तो ये सेंट्रियोल को ही हम क्या बोलते हैं, बेसल ग्रैन्यूल. सेंट्रियोल को ही क्या बोला जाएगा, बेसल ग्रैन्यूल ऐसा बोला जाएगा. और यहीं से आपका ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकलेंगे. और अभी आपने आंसर कर दिया था कि जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है. तो चलो अभी रिप्लाई करो, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अभी क्या आएगा आंसर. यस यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 29. जल्दी जल्दी क्या बताया मैंने, ये मैंने आपको सेल शो किया है. सेल के अंदर ये आपका प्रोटोप्लाज्म है विच इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल. और इस लिविंग सब्सटेंस के जो आपका प्रोटोप्लाज्म का जो पेरिफेरल पार्ट है कॉर्नर वाला पार्ट है वहां पे होते हैं सेंट्रियोल्स. उसी सेंट्रियोल को क्या बोला जाता है, बेसल ग्रैन्यूल. और वहीं से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकल रहे हैं. तो लास्ट क्वेश्चन में ही आपने आंसर किया था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कौन से हैं, तो क्या वो माइक्रोविलाय होंगे, क्या वो सिलिया होंगे, आइदर ए और बी नाइदर ए नॉर बी. आंसर्स आ रहे हैं अभी बहुत सारे लोगों के, सब लोगों ने आंसर करना है. गलत होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई पनिशमेंट नहीं है गलती करने की ओके. तो डोंट हेजिटेट टू रिप्लाई, यू हैव टू चेक यूर कंसेप्ट. आपके कंसेप्ट चेक करने का एक बहुत अच्छा मौका आपके पास है इस एंट्रांस के थ्रू, कि आपको चैप्टर कितना अच्छे से समझ में आया है, कितना अच्छे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो. तो आपकी लेवल जो है वो चेक कर सकते हो आप, कि आप कहां तक पहुंचे हो ओके. तो करेक्ट है, अभी मुझे कोई फ्लक्चुएशन नहीं दिखा है आंसर में. यहां पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 29 ओके. अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं. क्वेश्चन नंबर है 30. डैश आर कैपेबल ऑफ वाइब्रेटरी मूवमेंट्स. कौन वाइब्रेटरी मूवमेंट्स परफॉर्म कर सकता है. चलो वापस वही चीज है, देखो सिर्फ सिलिया के ऊपर कितने क्वेश्चंस बने हैं. सिर्फ सिलिया, सिलिया ये एक वर्ड है और इसके ऊपर देखो कितने क्वेश्चंस बन चुके हैं. अभी आपको पूछा गया है डैश आर कैपेबल ऑफ वाइब्रेटरी मूवमेंट्स, कौन परफॉर्म कर सकते हैं ये वाइब्रेटरी मूवमेंट्स, माइक्रोविलाय, सिलिया ओके, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी. चलो जल्दी जल्दी, वेरी गुड. अभी सब लोगों को समझ में आ रहा है, सब लोगों के आंसर्स अभी ट्रैक पे आने लगे हैं, राइट आने लगे हैं. जल्दी जल्दी बोल दो, चलो क्या आएगा आंसर. वेरी गुड, करेक्ट है. ये कैपेबल है वाइब्रेटरी मूवमेंट्स के. मैंने बोला था आपको दिस सिलिया आर देयर इन योर नॉस्ट्रिल्स, इन योर ट्रैकिया एंड दे कैन वाइब्रेट. वाइब्रेटरी मूवमेंट्स कर सकते हैं ओके. और इसी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश भी कर सकते हैं. तो डेफिनेटली अगर कोई पूछता है डैश आर कैपेबल ऑफ वाइब्रेटरी मूवमेंट्स, वंस अगेन द आंसर इज सिलिया. यहां पे वापस एक बार आपका आंसर जो है वो क्या होने वाला है, सिलिया ही होने वाला है ओके. तो ये जो आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन बी. सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं. क्वेश्चन नंबर है 31. द प्रोसेस इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग द फॉरेन पार्टिकल्स एंड रिमूविंग देम. चलो एक और क्वेश्चन सिलिया के ऊपर, एक और क्वेश्चन है सिलिया के ऊपर. द प्रोसेस विच आर कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग द फॉरेन पार्टिकल्स,
कौन सी प्रोसेस है जो फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर सकती है और वाइब्रेटरी मूवमेंट से उनको रिमूव भी कर सकती है। यस, क्या वो माइक्रोविला है, क्या वो सिलिया है, क्या वो दोनों हो सकते हैं या फिर दोनों नहीं हो सकते हैं? जल्दी जल्दी मैं वापस एक बार आपको कुछ शो करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे कि एक ही कंसेप्ट है सिर्फ सिलिया का, लेकिन उसके ऊपर ये कम से कम अभी क्वेश्चन नंबर 5 या 6 चल रहा है, 5th और 6th क्वेश्चन ऑन ओनली वन वर्ड एंड दैट वर्ड इज सिलिया। ओके, तो देखो कितना अच्छे से हमको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे ओरिजिनेट होते हैं, ओके, कहां पे पाए जाते हैं। द प्रोसेस इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग द फॉरेन पार्टिकल्स एंड रिमूविंग देम आर, ओके, सब लोगों ने आंसर दिया है और सब लोगों का आंसर जो है वो एक ही है एंड वो करेक्ट भी है। वंस अगेन इट इज सिलिया। वापस एक बार यहां पे आंसर जो है वो है सिलिया, मतलब आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 31। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 32। द प्रोसेसेस दैट हेल्प्स इन द मोमेंट ऑफ नॉन मोटाइल ओवम, क्या बात है, ये तो मतलब झड़ी सी लग गई है क्वेश्चंस की एक ही कंसेप्ट के ऊपर। मैंने कल भी आपको शो किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, ये जो ऊपर आपको ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये हैं आपके फैलोपियन ट्यूब्स। मैंने आपको शो किया था यहां पे होते हैं ओवरीज, ओवरी विल रिलीज द एग और ओवम, एग या फिर क्या बोल सकते हो, ओवम बोल सकते हो, ओके, और फिर इस ओवम को कैच कर लेते हैं कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्री, फिम्ब्री इसको लेके आएंगे यहां पे। अभी ये जो ओवम है मैंने बताया था आपको इट इज नॉन मोटाइल, कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। तो अगर इस ओवम को मुझे यूटेरस की तरफ पुश करना है, दिस इज एक्चुअली यूटेरस, ओके, तो अगर मुझे ओवम को यूटेरस की तरफ पुश करना है, यहां पे इंटरनली योर फैलोपियन ट्यूब हैज सिलिएटेड इपिथेलियम, आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी आपको कौन सा इपिथेलियम मिल जाएगा, सिलिएटेड इपिथेलियम मिल जाएगा। तो वापस एक बार द प्रोसेस दैट हेल्प्स इन द मोमेंट ऑफ नॉन मोटाइल ओवम, अगर ऐसा पूछा जाएगा, once again the answer is cilia। जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ओके, एक सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के हर क्वेश्चन का आंसर सिलिया है। इसका मतलब ये भी नहीं लेना है कि इसके आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे हर का आंसर सिलिया ही होगा, ओके, सोच के आंसर देना है, लेकिन फिलहाल यहां पे राइट आंसर इज ऑप्शन बी एंड दैट इज सिलिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 33। डैश आर द प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस फ्रॉम द अपाइकल रीजन ऑफ नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। चलो अभी तो क्वेश्चन में ही आंसर है, मैंने बोला था आपको अगर नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है तो वहां पे सिलिया नहीं है, तो सिलिया नहीं होते तो सिलिया की जगह पे क्या होता है, माइक्रोविला है, सिलिया, ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। चलो यस, संपदा ने आंसर भेजा है, उमेश बेटा एक बार चेक करो क्या है, देखो क्वेश्चन नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम है मतलब सीधा सीधा है सिलिया नहीं है, और अगर सिलिया नहीं होते हैं तो सिलिया की जगह पे क्या होता है ये हमको पता है, इफ देर आर नो सिलिया। हर्षल बेटा आप भी चेक करो, हर्षल ने भी बी आंसर किया है, यस, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, राजेंद्र बेटा दोनों नहीं होंगे ऐसा कैसा होगा, मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया आप कहां पे थे, चार बार बताया मैंने जहां पे सिलिया होता है वो सिलिएटेड एपिथेलियम है और जहां पे सिलिया की जगह पे माइक्रोविलाय होता है वो नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम है, यस, तो क्या आएगा आंसर, कॉन्सेंट्रेशन से लेक्चर अटेंड करो, इधर उधर अगर आपका ध्यान है तो समझ में नहीं आएगा, जैसे मैंने बोला है आपको लाइव लेक्चर अटेंड करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है क्योंकि स्क्रीन छोटा सा है, छोटे से स्क्रीन के ऊपर सब देखना है, इट नीड्स अ ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन, आई नो इट्स अ डिफिकल्ट पार्ट, लेकिन नो ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन, एक्चुअली कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ओके, तो कौन से ऐसे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं फ्रॉम द अपाइकल रीजन ऑफ नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, वेरी गुड, सब लोगों ने आंसर भेजे हैं इसके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज माइक्रोविलाय, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, माइक्रोविलाय, नॉन सिलिएटेड है तो सिलिया नहीं होंगे, सिलिया की जगह पे क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोविलाय, इसका फंक्शन भी मैंने लिखवाया था, तो देख लेते हैं कि आगे शायद उसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वेरी गुड, चलो माइक्रोविलाय का फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन,
डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अगर आपने नोट्स को पढ़ा है तो आपका जो कॉलमनार एपिथेलियम है, कॉलमनार, उसके फंक्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा हुआ है और वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आपका माइक्रोविलाय जो है वो कहां पे मदद करता है? अर्चना को डी लग रहा है। अर्चना बेटा एक बार चेक कर लो, सिर्फ आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे। अगर आपने प्रॉपरली लेक्चर को रिवाइज किया है तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यस, चलो आंसर करो, नोटबुक को सामने लेके बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग डी आंसर करे जा रहे हैं, अभी एक ने डी डाल दिया तो बहुत सारे लोग डी डाल रहे हैं। अरे भाई पढ़ तो लो, एक्चुअली नोटबुक को सामने तो रखो, कॉलमनार एपिथेलियम के फंक्शन में क्या लिखा है देखो तो। नोटबुक को सामने रखा करो प्लीज। ऐसा तो नहीं करना चाहिए एक्चुअली, अगर हमको चेक करना है कि हमारा प्रिपरेशन कहां तक हुआ है, नोटबुक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी तो मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन में भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। सिंपल क्वेश्चन चल रहे सभी, डिफिकल्ट को अभी अभी छुआ भी नहीं है। डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को हमने हाथ भी नहीं लगाया अभी तक, सिंपल लेवल के ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपने कल बताया था कॉलमनार एपिथेलियम का लोकेशन, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ओके, तो देखो स्टमक में आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा है और डाइजेस्टेड फूड ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। तो ये जो माइक्रोविलाय होते हैं, मैंने बताया था दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ऐसा लिखा हुआ है वहां पे आपके नोट्स में, पढ़ना पड़ेगा उसको। आपने नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो माइक्रोविलाय होंगे अंदर, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब एंट्री ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन टू द ब्लड। जो आपका डाइजेस्टेड फूड है जब वो ब्लड में एंटर करता है उस प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। और इस एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम, बढ़ाने का काम कौन करते हैं आपके? माइक्रोविलाय। तो अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली माइक्रोविलाय का फंक्शन होगा एब्जॉर्प्शन। क्या काम होगा माइक्रोविलाय का? एब्जॉर्प्शन, ये फंक्शन होगा। ओके अर्चना कहां पे पढ़ा ये सिक्रीशन? अर्चना बता दो मुझे बेटा कि आपने ये कहां पे पढ़ लिया कि सिक्रीशन में मदद करता है, मुझे दिखा दो। ओके कुछ गलत पढ़ा है शायद आपने, रॉन्ग कंसेप्ट पढ़ा है। ओके 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अल्सो नहीं है और कुछ भी नहीं है, माइक्रोविलाय का सिर्फ एक ही काम है बेटा, दैट इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। कुछ सिक्रीट नहीं करते हैं माइक्रोविलाय। ओके अरे कॉलमनार एपिथेलियम के फंक्शन में सिक्रीशन कैसे होगा? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दोनों कैसे होंगे? आशीर्वाद, यस सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन किसके फंक्शन से बेटा? क्यूबॉइडल के हैं। ओके सिक्रीशन जो है वो क्यूबॉइडल का फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है क्यूबॉइडल के। इसमें कल आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ओके सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन ये कॉलमनार एपिथेलियम में नहीं आएगा, वहां पे जैसे आपने अभी तो क्वेश्चन सॉल्व किए, सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो डस्ट को ट्रैप करेगा, वाइब्रेटरी मूवमेंट से उसको रिमूव करेगा। ओके तो सिक्रीशन से कहां से होगा? सिक्रीशन का कोई लॉजिक ही नहीं बनता यहां पे। ओके नहीं तो फिर वहां पे मिस्टेक होगी। मैंने नोट्स भेजे आपको, मैं आपको मतलब बहुत बार ये बोल रहा हूं कि भाई मेरे नोट्स पढ़ लो। ओके तो नोट्स में एक बार प्रॉपरली आपको चेक कर लेना है। ओके कंफ्यूज मत हो, क्योंकि जो 11th के नोट्स आपके पास या फिर टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो टेक्स्ट बुक में मिस्टेक्स है, वो मिस्टेक करेक्ट करके मैंने आपको नोट्स भेजे हैं जो हैंड रिटन फॉर्म में है। तो एक बार उन नोट्स को प्रॉपरली पढ़ लेना है। ओके 113 के आसपास मिस्टेक्स है जो टेक्स्ट बुक आपके पास आया होगा, जो टेक्स्ट बुक आप यूज कर रहे हो। पता नहीं अभी आपने कौन सा एडिशन लिया है, नया लिया कि पुराना लिया है। ओके सो नो इशू, हो सकता है कि आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा लेकिन वहां पे मिस्टेक्स है, तो थोड़ा सा प्रॉपरली इसको हमको फॉलो करना है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या सिंथेसाइज करेगा? चलो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लैंड है तो ये मैंने सीधा लिखवा के दिया था आपको, चलो इसको आंसर करना है। बहुत सारे बच्चे जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या सिंथेसाइज करेगा? स्वेट, उसके बाद है ऑयल, उसके बाद है हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स, और लास्ट में आपको दिख रहा है ऑल ऑफ दीज। मैंने बोला था आपको देर आर सम स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सब्सटेंसेस लाइक स्वेट
ऑयल हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स ओके, और ये सारे सब्सटेंस आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 36, ग्लैंड्स विद द डक्ट्स आर कॉल्ड। चलो दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं आपके बॉडी में बेसिकली, एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, यहां पे लिखता हूं मैं ओके, और दूसरा जो है वो होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। तो दोनों का डिफरेंस मैंने बताया था आपको। तो आपको पूछा गया है ग्लैंड विद द डक्ट, जिस ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे हम, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, एपोक्राइन या फिर मेरोक्राइन, क्या आएगा बोलो। चलो जल्दी जल्दी रिप्लाई कर देना है, आराम से सोच लो और फिर आंसर करो, जल्दबाजी में आंसर मत करो क्योंकि जल्दबाजी में आप लोग गलती कर देते हो, गलती नहीं होनी चाहिए, वी हैव टू लर्न ओके टू अवॉइड द मिस्टेक्स। चलो फटाफट फटाफट, यस कौन सी ग्लैंड है प्रथमेश बेटा, एक बार चेक करो आपका आंसर, मानसी बेटा आप भी चेक करो, जो ग्लैंड्स में डक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स विद द डक्ट, क्या आएगा बोलो जल्दी जल्दी, बहुत सिंपल है ये, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन एपोक्राइन मेरोक्राइन, सिंपल है, दो ही बेसिक टाइप के ग्लैंड्स मैंने पढ़ाए थे आपको, ये तो पढ़ाया भी नहीं है एपोक्राइन ग्लैंड्स और मेरोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ओके। तो सिंपल है, द ग्लैंड्स विच आर प्रोवाइडेड विद डक्ट आर कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंड द ग्लैंड्स विच आर डक्टलेस, जो ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसा बोलते हैं। तो ये पहला डिफरेंस है, डक्ट का मतलब क्या है, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। बहुत सारे लोग नए ज्वाइंट हो गए तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये डक्ट क्या होता है, एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जो ग्लैंड के सिक्रीशन को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करेगा, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डक्ट। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट प्रेजेंट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट एब्सेंट होते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसके सिक्रीशन को कॉमनली एंजाइम ऐसा बोला जाता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है द सिक्रीशन इज कॉमनली नोन एज हार्मोन, इसके सिक्रीशन को कॉमनली क्या बोलेंगे हम, हार्मोन ऐसा बोलेंगे। तो ये भी पता होना चाहिए और एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए, जैसे आपका लीवर है, सलाइवरी ग्लैंड है, क्या बोल रहा हूं मैं, लीवर, उसके बाद है आपकी सलाइवरी ग्लैंड ओके, उसके बाद है आपके टीयर ग्लैंड्स, फिर आते हैं आपके स्वेट ग्लैंड्स, तो ये सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। और जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है ओके, उसके बाद है आपकी थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड के पीछे एक और होती है पैराथायरॉइड ओके, फिर आपके किडनी के ऊपर होती है एड्रीनल ओके, तो पिट्यूटरी, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, एड्रीनल, थाइमस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं आगे जाके, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप कि अभी आप लोग आंसर दे पाएंगे प्रॉपरली। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, That is exocrine gland. Okay, अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर है 37. The glands which pour their secretion directly into the blood. कौन से glands उनके secretion को directly blood में डाल देते हैं, क्योंकि उनके पास duct नहीं है, these glands are ductless. तो कौन से glands होंगे ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, चलो रिप्लाई करो। अर्चना ने सबसे पहले आंसर भेजा और बहुत करेक्ट भी भेजा है शायद, ग्लैंड्स विच पोर देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड। मैंने अभी बोला था आपको कुछ ग्लैंड्स हैं जो डक्टलेस है, उनके पास डक्ट ही नहीं है, तो उनका सिक्रीशन अगर एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना है सिक्रीशन को, वो डायरेक्टली ब्लड में डाल देंगे, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा वो ओके। तो ये डक्टलेस वाले कौन से ग्लैंड्स है, अभी दो मिनट पहले बताया मैंने आपको, और ये सब लोगों के आंसर्स आ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा करेक्ट भी आ रहे हैं आंसर्स, यस। चलो फटाफट फटाफट रिप्लाई करना है, यस चलो रिप्लाई कर दो जल्दी जल्दी। फोन वास्ते यस करेक्ट है, the glands which pour their secretion directly into the blood are definitely known as an
एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसा बोलने वाले हैं। तो करेक्ट है, सब लोगों ने आंसर दिया है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 38, हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, चलो ये बता दिया है मैंने आपको, हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन या फिर मेरोक्राइन। रिप्लाई करो जल्दी जल्दी, अभी तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल है क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे चुका हूं। यस, चलो अभी मैंने बोला था आपको एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है और हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है। करेक्ट है, बहुत ही ज्यादा करेक्ट है। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कौन से ग्लैंड्स बनाएंगे, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, एपोक्राइन या फिर मेरोक्राइन। जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर देना है इस क्वेश्चन को, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज द क्वेश्चन, आर दे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आर दे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन या फिर मेरोक्राइन। में ज्यादा देर इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं रुकने वाला हूं। ओके, मैं आपको यह बता चुका हूं, हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस एंजाइम्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रही है, एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर है 39, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर, चलो किसको पता है ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या होते हैं, क्या वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्या वो एक्सोक्राइन है, क्या वो एपोक्राइन है या फिर मेरोक्राइन है। आपके लिए एक छोटी सी हिंट देता हूं, दिस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज अ पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का पार्ट है ये। यस, सिद्धेश ने आंसर भेजा है, बहुत बड़ा, वेरी गुड। राजेंद्र को डी लग रहा है, अरे भाई ऐसा कोई ग्लैंड मैंने पढ़ाया नहीं है बेटा, आप डी आंसर कर रहे हो, लेकिन मैंने तो सिर्फ दो ही टाइप के ग्लैंड्स पढ़ाए अभी तक, तो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, तो इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। और मैंने आपको हिंट दे दिया है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज अ पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, चलो बताओ क्या है, किसको पता है ये, बहुत सारे लोगों को पता है। जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं उन्होंने आंसर देना है, प्लीज रिप्लाई करो, रिप्लाई करना जरूरी है। यस, बहुत सही है। चलो मैंने आपको बोला था कि ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, दिस इज अ पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, एंड रिमेंबर वेल, पैनक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, एक ही ग्लैंड है आपके बॉडी में जो मिक्स्ड है, या तो बाकी के जो ग्लैंड है बॉडी में वो एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है, जितने भी ग्लैंड्स है बॉडी में या तो वो एंडोक्राइन होंगे या तो एक्सोक्राइन होंगे, लेकिन एक ही ग्लैंड ऐसी है बॉडी में पैनक्रियाज जो मिक्स्ड है, मतलब वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। और इसी पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसको बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसके अंदर तीन टाइप के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा। ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात हो रही है, यहां पे तीन टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अल्फा सेल सिक्रीट वन हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन, एंड डेल्टा सेल इज गोइंग टू सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड सोमैटोस्टैटिन। ओके, तो तीनों हार्मोन्स के नाम फिलहाल तो जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। फिलहाल इतना पता होना चाहिए कि भाई ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, दिस इज एन एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का। तो ये जो क्वेश्चन है 39 नंबर का, राइट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन ए, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 40, टेस्टीज एंड ओवरीज आर, चलो टेस्टीज और ओवरीज जो है वो क्या है, एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, मेरोक्राइन या फिर एपोक्राइन। बहुत सिंपल है ये भी, बहुत ज्यादा सिंपल है। टेस्टीज प्रोड्यूसेस वन हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन, ओके, एंड ओवरीज प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन भी आता है, तो शायद ये हार्मोन के नाम आपने सुने भी होंगे बहुत बार। टेस्टिस से आता है टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन, और आपके ओवरीज से आता है इस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। और जो लोग आंसर बी कर रहे हैं, प्रथमेश एंड अर्चना, हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, कितने बार हो गया देखो अभी, ये फिर भी गलतियां हो रही है, नहीं होनी चाहिए अभी। यस, हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, मैंने आपको सीधा सीधा इतना बड़ा हिंट दे दिया
कि भाई टेस्टिस से हार्मोन आ रहा है टेस्टोस्टेरॉन, और ओवरी से आपका हार्मोन जो है वो कौन सा है, इस्ट्रोजन। तो क्या होगा, हार्मोन अगर बन रहा है तो ये दोनों कौन से ग्लैंड होंगे, हार्मोन कौन सी ग्लैंड बनाती है, एंडोक्राइन बनाती है या फिर एक्सोक्राइन बनाती है? यस, बहुत सिंपल है ये। डेफिनेटली टेस्टिस एंड ओवरीज आर वंस अगेन द बिच टाइप ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही है हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन से हार्मोन वहां पे बन रहे हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 40। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन ए, पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थायराइड एंड पैराथायराइड आर, वापस बोल रहा हूं मैं, सब कुछ बता चुका हूं, अभी गलती नहीं होनी चाहिए। थायराइड और पैराथायराइड किस तरह के ग्लैंड्स हैं? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, एपोक्राइन, मेरोक्राइन, एग्जांपल्स में बता चुका हूं। अर्चना ने सबसे पहले आंसर भेजा है और वो करेक्ट है अभी, वेरी गुड अर्चना। यस, बाकी के लोग कहां पे हैं, चलो रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी आंसर बता देना है कि आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। फिर भी आदिति को, सॉरी बाकी के लोगों को ए लग रहा है, दो तीन लोग मुझे दिख रहे हैं, संस्कृति को ए लग रहा है, प्रसाद को ए लग रहा है, सिद्धेश को भी ए लग रहा है, साहिल सिंह ए। अरे बेटा अभी तो मैंने एग्जांपल दिए थे ना आपको, कैसे भूल जाते हो आप, लेक्चर में जो चल रहा है वो भी भूल जाते हो। चलो पीछे लेके जाता हूं आपको, ये देखो यहां पे, इस स्लाइड को एक बार देख लो, इस स्लाइड को एक बार देख लो। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में देखो क्या दिख रहा है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, जस्ट 5 मिनट्स बिफोर, 5 मिनट के पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, स्टिल द आंसर्स आर गोइंग रॉन्ग। एक्सपेक्टेड नहीं है, इतनी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो आपको अगर पूछा जाएगा थायराइड एंड पैराथायराइड, तो ये किस तरह के ग्लैंड्स हैं, डेफिनेटली दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये कौन से ग्लैंड है आपके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर है 41, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, चलो टीयर ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, अभी बोलो क्या है, टीयर ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड किस तरह के ग्लैंड्स हैं? यस, बोलो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, टीयर ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स आर विच टाइप ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, एपोक्राइन या मेरोक्राइन? वेरी गुड, अभी भी राजेंद्र का आंसर ए आ रहा है, प्रसाद का भी ए आ रहा है। बेटा टीयर ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स पूछ रहा हूं मैं, पता नहीं क्या कंफ्यूजन है आप लोगों का, बिल्कुल पढ़ा नहीं ऐसा लग रहा है मुझे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है जो लोग आंसर ए कर रहे हैं। प्रथमेश, टीयर ग्लैंड है बेटा, टीयर ग्लैंड, टीयर ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाती है, सलाइवरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाती है बता दो। यस, थोड़ा सा पढ़ो प्लीज, मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल लेवल के हैं, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस मैंने नहीं डाले हैं, और अगर ये सिंपल लेवल के क्वेश्चंस में इतनी गड़बड़ी हो रही है तो सोचने वाली बात है, फिर गलतियां होनी चाहिए लेकिन इतने सिंपल इसमें नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज, रिवाइज नहीं किया है तो ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया इसी लेक्चर में, फिर भी गलतियां हो रही हैं। आज ही के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया मैंने एग्जांपल्स के साथ कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के कौन से एग्जांपल हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कौन से हैं, और फिर भी अगर दिक्कत आएगी तो फिर गड़बड़ है, इसका मतलब लेक्चर में भी कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से नहीं है। ओके, ये जो है बच्चों टीयर ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का, राइट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन बी, सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, पिट्यूटरी ग्लैंड इज, चलो पिट्यूटरी ये कौन से टाइप का ग्लैंड है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, एपोक्राइन, मेरोक्राइन? ये एपो और मेरो के बारे में तो भूल ही जाओ, या तो आंसर आपका एंडोक्राइन होगा या तो एक्सोक्राइन होगा। सिद्धेश को भी लग रहा है, सिद्धेश बेटा पिट्यूटरी, पिट्यूटरी बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रसाद को वापस बी लग रहा है, संस्कृति इज सेइंग ए, वेरी गुड। चलो पिट्यूटरी किस तरह की ग्लैंड है, नोट्स अगर सामने लेके बैठे हो तो भी आंसर मिल जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो रही है यहां पे, तो क्या वो एंडोक्राइन है, क्या वो एक्सोक्राइन है, एपोक्राइन है, मेरोक्राइन है, किस तरह की ग्लैंड है? यस,
चलो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट रिप्लाई करो। बहुत सिंपल है ये, पिट्यूटरी जो है वो है आपकी कौन सी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 43, राइट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स आर द टाइप्स ऑफ। चलो ये भी पढ़ाया था मैंने, कौन से ग्लैंड्स को आगे दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। क्या वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्या वो एक्सोक्राइन है, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। चलो बताओ जल्दी जल्दी, विच ग्लैंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स। यस वेरी गुड मानसी, प्रसाद, अर्चना, संस्कृति, सबके आंसर करेक्ट है। अभी हर्षली का भी करेक्ट है। यस चलो बोलो, बाकी के लोग जो है उन्होंने भी रिप्लाई कर देना है जल्दी जल्दी से। अभी ये सब लोगों के आंसर जो है वो राइट है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स ये किसके टाइप्स है, दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। किसके टाइप है ये, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप है। व्हेन सिंगल सेल एक्ट एज अ ग्लैंड, ओके देन वो यूनिसेल्युलर होगा। कुछ केसेस में नंबर ऑफ सेल्स विल कम टुगेदर एंड दे विल फॉर्म अ ग्लैंड, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो मल्टीसेल्युलर होगा। और मैं बोल रहा हूं जो सिंगल सेल, मतलब जो यूनिसेल्युलर इपिथेलियम होता है ग्लैंडुलर, वहां पे जो सिंगल सेल होती है जो ग्लैंड की तरह काम करती है, उस सेल को बोला जाता है गॉबलेट सेल। इसके ऊपर अगला शायद क्वेश्चन आ सकता है, अभी बता देता हूं। यूनिसेल्युलर इपिथेलियम में जो सिंगल सेल होती है जो ग्लैंड की तरह काम करती है उसको बोलते हैं गॉबलेट सेल, और ये गॉबलेट सेल प्रोड्यूस करती है म्यूकस, वन टाइप ऑफ स्टिकी मटेरियल जो लुब्रिकेंट का काम करता है। तो देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन आता है। चलो आ गया, मैं आंसर दे चुका हूं इसका। एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर ग्लैंड, यूनिसेल्युलर ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या है, ऑप्शंस देखो कितने बढ़िया है, गॉबलेट सेल, टैबलेट सेल, ऑमलेट सेल, रॉबलेट सेल। क्या बात है, मुझे तो ऑप्शंस ही बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके। यस एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर ग्लैंड, ऑप्शंस देखो कितने इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन ए है गॉबलेट सेल, ऑप्शन बी है टैबलेट सेल, ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है ऑमलेट सेल, और ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको रॉबलेट सेल। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर ग्लैंड ये आपसे पूछा गया है। और यहां पे यूनिसेल्युलर ग्लैंड का जो एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, मैं आंसर दे चुका हूं, इट इज नोन एज अ गॉबलेट सेल। वो क्या सिक्रीट करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, ये भी मैं बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन है वही, गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करती है, टीयर, म्यूकस, स्वेट, सीबम। चलो रिप्लाई करो, गॉबलेट सेल सिक्रीट व्हाट, टीयर सिक्रीट करेगी, म्यूकस, स्वेट या फिर सीबम, फटाफट फटाफट रिप्लाई करो। ऑलरेडी मैं इसका भी आंसर दे चुका हूं। यस वेरी गुड, अभी राइट है, अभी करेक्ट है। व्हाट द गॉबलेट सेल इज प्रोड्यूसिंग, व्हाट द गॉबलेट सेल इज सिक्रीटिंग, टीयर्स, म्यूकस, स्वेट या फिर सीबम, जल्दी जल्दी बोलो। चलो क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट रिप्लाई कर देना है क्वेश्चन को। और जैसे मैं बोल रहा हूं कि ऑलरेडी मैं इसको आंसर कर चुका हूं, ओके तो ये जो गॉबलेट सेल होती है वो क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो सिंपल क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 47, म्यूकस क्या होता है, ये भी बता चुका हूं मैं। चलो, व्हाट द म्यूकस इज, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, लुब्रिकेंट, हाईली अल्कलाइन। म्यूकस किसका काम करता है, एंटी बैक्टीरियल का काम करेगा, एंटी माइक्रोबियल का काम करेगा, लुब्रिकेंट का काम करेगा या हाईली अल्कलाइन होगा। यस चलो, संपदा ने सबसे पहले आंसर भेजा था, साथ में आशीर्वाद का भी आया है और बाकी के लोगों के भी आ रहे हैं अभी, और सब लोगों का आंसर जो है वो करेक्ट है बहुत ज्यादा। यस म्यूकस किस तरह काम करेगा या फिर म्यूकस का काम क्या होगा, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, लुब्रिकेंट, हाईली अल्कलाइन। सो एवरीबडी नोज दैट म्यूकस इज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का काम करता है स्पेसिफिकली इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ओके रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हो सकता है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 48, गॉबलेट सेल्स लाइंस। गॉबलेट सेल मतलब म्यूकस, अभी मैंने कुछ नाम लिए, कहां कहां पे होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट,
और लास्ट में हमको दिख रहा है रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कहां पे ये आपको गॉबलेट सेल्स देखने को मिलेंगे? यस, वेयर इज द लोकेशन ऑफ गॉबलेट सेल? वेरी गुड, चलो क्या बात है, आंसर्स आने लगे हैं वापस एक बार बहुत जल्दी से, और जो आंसर्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा करेक्ट भी है। चलो फटाफट फटाफट रिप्लाई करो, बहुत सिंपल है ये। गॉबलेट सेल्स किसको लाइन करते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, चारों जगह पे होते हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव यूरिनरी एज वेल एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 48 इज ऑप्शन डी, लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर का। इन मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स लार्ज नंबर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स एग्रीगेट एंड फॉर्म्स अ डिस्टिंक्ट, किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा? माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, बोथ ए एंड बी, आइदर ए और बी। चलो 49 को आंसर करो। मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स में नंबर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स विल एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब वो एक साथ ग्रुप बनाएंगे और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, बोथ और दोनों भी नहीं। नहीं, जो लोग सी आंसर कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक एक साथ कैसे बनेगा? या तो माइक्रोस्कोपिक बनेगा या तो मैक्रो, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, एक साथ छोटा बड़ा कैसे हो सकता है कोई चीज? क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, स्ट्रक्चर या तो माइक्रो मतलब छोटा होगा, मैक्रो मतलब बड़ा होगा, एक साथ छोटा और बड़ा कैसे हो सकता है? एक ही चीज को छोटा बड़ा कैसे बोलेंगे? थोड़ा आराम से सोच के आंसर करो। यस, अभी आपको लग रहा है कि हाँ सर एक साथ छोटा बड़ा नहीं हो सकता, तो मतलब कुछ नहीं हो सकता। अरे कुछ तो बनेगा ना, लेकिन आप लॉजिक बहुत जबरदस्त लगा लेते हो कभी कभी। अभी मैंने बोला कि एक ही चीज को छोटा और बड़ा कैसे बोल सकते हैं, तो कुछ लोगों को लग रहा है सर छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, नहीं बोल सकते हैं, तो कुछ भी नहीं है। ओके, यस, क्या आएगा बोलो। चलो, अगर नंबर ऑफ सेल्स विल एग्रीगेट टुगेदर, बहुत सारे सेल्स अगर एक साथ आएंगे तो स्ट्रक्चर तो बड़ा ही बनेगा ना। ओके, और जब वो साइज में बड़ा होता है तो स्ट्रक्चर इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक। ये जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? मैक्रोस्कोपिक होने वाला है। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है 49 नंबर का, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये ध्यान में रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के लेक्चर का, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ। चलो, कंपाउंड एपिथेलियम, दो टाइप का एपिथेलियम हमने पढ़ा है, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड, और सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम का बेसिक डिफरेंस मैंने आपको समझाया था। तो कंपाउंड एपिथेलियम हैज व्हाट? मेनी सेल्स, मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। चलो, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ही है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडेज लेक्चर। यस, वेरी गुड, चलो एंडिंग जो है वो बहुत अच्छी हो रही है, मतलब सबके आंसर जो है वो सही आ रहे हैं लास्ट वाले क्वेश्चन के। पहला शुरू हुआ था गलत से और खत्म हो रहा है राइट से, ये बहुत अच्छी बात है। गलती से शुरू हुआ है और राइट पे खत्म हो रहा है, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन में आज के बहुत सारी गलतियां हुई थी, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में मुझे कोई गलतियां नहीं दिख रही है। सब लोगों को पता है सिंपल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कंपाउंड एपिथेलियम की अगर बात करेंगे तो इट विल बी मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड। ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पे होंगे मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, और यहां पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, तो ये था आपका आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में विनीत पूछ रहा है कि सर हम क्या करेंगे, हम यही चीज कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इपिथेलियल टिश्यूज के ऊपर ही क्वेश्चंस देखे हैं, और तीन टिश्यूज के ऊपर क्वेश्चन स्टडी करना बाकी है। ओके, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा प्रॉपर रिवाइज करके रखेंगे, जल्दी जल्दी सब लोग करेक्ट आंसर दे देंगे, तो थोड़ा सा और ज्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं एक सिंगल लेक्चर में। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है ये, एक बार वापस मैं बोल रहा हूं सब लोगों से कि बच्चों एक बार इसको प्रॉपरली रिवाइज करके रखो। नेक्स्ट वीक में जो हमारा लेक्चर होगा एनिमल टिश्यू के ऊपर, वही चीज, यही चीज हम कंटिन्यू करेंगे। अभी एक चीज तो आपको सबको क्लियर है, इपिथेलियल टिश्यू ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अगले लेक्चर में क्वेश्चंस होंगे कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, एटलीस्ट
एटलीस्ट आपको कनेक्टिव टिश्यू रिवाइज होना चाहिए। मस्कुलर और नर्वस रिवाइज नहीं होगा तो भी चलेगा, मैं आपको चैप्टर का सिर्फ एक सेक्शन बोल रहा हूं। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू को रिवाइज करके रखो, उसी के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे अगले लेक्चर में। ओके, जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, नया नया ज्वाइन किया है, आपके पास अभी 4 दिन का टाइम है, टोटल 10 लेक्चर है, पूरे देख लो। स्पेसिफिकली कनेक्टिव टिश्यू वाले लेक्चर देखो, यूट्यूब पे सारे लेक्चर अवेलेबल है। अगर कुछ दिक्कत आती है तो मैसेज करो, फोन करो, ओके आपकी चॉइस है, कर सकते हो, लेकिन काम करना है, काम करना बहुत जरूरी है, रुकना नहीं है। ओके, तो फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, अगला जो पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और यहां पे आज के लिए रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।